हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम बेटा डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में बेटा दोनों नंबर में डेसिमल है, तो बेटा सबसे पहले आप इस डेसिमल को मत देखिए और सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए जैसा आपको आता है। 25 का बेटा 3 में करिए मल्टीप्लाई। 3 5 15, ये 5 हासिल गया बच्चों 1। 2 का 3 में करोगे मल्टीप्लाई 6। 6 में बेटा ये 1 जोड़ोगे 7। क्या आया बेटा? 75 आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो डेसिमल है, कैसे लगाओगे? बेटा ध्यान दो, यहाँ बच्चों ये डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है। यहाँ भी बेटा डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है। एक और एक कितने हो गए? 2 हो गए। हमें बेटा आंसर में पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। ये पहला, ये दूसरा। 2 नंबर के बाद मतलब कहाँ लगाओगे? यहाँ पे। और बेटा आप आगे 0 भी लगा सकते हैं। आंसर बन गया 0.75। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आप डेसिमल मत देखिए, सिंपल जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वैसे करेंगे। 517 में बेटा 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। 7 1 5 5। ठीक है, लिख लेते हैं। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ डेसिमल बेटा पीछे से एक नंबर के बाद, यहाँ भी बेटा डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद। ठीक है, एक और एक कितने हो गए? 2 हो गए। आंसर में बेटा आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। ये एक और ये हो गए 2। डेसिमल कहाँ लग गया? इन दोनों के बीच में। आंसर बना बेटा 5.17। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आप डेसिमल मत देखिए, सिंपल तरीके से नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ये लिख लेते हैं 3 1 6 8 में बेटा 2 से करना है मल्टीप्लाई। 2 का 8 में मल्टीप्लाई 16, ये 6 हासिल गया 1। 2 का 6 में मल्टीप्लाई 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, ये 3 हासिल गया 1। 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3। ठीक है, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, ये आया बेटा मल्टीप्लाई। इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बेटा ये पॉइंट या डेसिमल कितने नंबर के बाद आ रहा है पीछे से? तो बेटा एक नंबर के बाद आ रहा है। एक लिख लो, इधर देखो बेटा, इधर डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद आ रहा है। एक और एक हो गए 2। आंसर में बेटा डेसिमल 2 नंबर के बाद लगाओ पीछे से। तो बेटा ये 2 नंबर छोड़े, यहाँ डेसिमल लग गया। आंसर बना बेटा 63.36। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डेसिमल मत देखिए, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई। 1 3, इसका बेटा 3 1 में करेंगे मल्टीप्लाई। 1 का बेटा 3 में मल्टीप्लाई 3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, जोड़िए ये 3, ये बेटा 10, हासिल गया 1। इन दोनों को जोड़िए 4, मल्टीप्लाई आया 403। अब बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में बेटा इधर डेसिमल एक नंबर के बाद है एक नंबर के बाद, इधर भी बेटा पीछे से एक नंबर के बाद है। ठीक है, 1 के बाद है, एक नंबर के बाद। तो बेटा एक और एक क्या हो गए? 2 हो गए। आंसर में बेटा पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। आंसर बना 4.03।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा डेसिमल मत देखिए, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 कितना हो गया 25। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद, यहाँ बेटा डेसिमल पीछे से दो नंबर के बाद है दो नंबर के बाद, एक और दो कितने हो गए 3 हो गए। आंसर में बेटा पीछे से 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, एक और चाहिए 3 नंबर चाहिए, 0 लगा लो। अब देखिए 1, 2, 3 तीन नंबर के बाद पीछे से डेसिमल यहाँ, आप बेटा यहाँ 0 भी लगा सकते हो। आंसर बन गया 0.025। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डेसिमल मत देखिए, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करो, कर देते हैं 1, 1, 2 उसमें बेटा 15 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, ये 0 हासिल गया 1, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, ठीक है 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, अब जोड़िए 0, 8, 6, 1 लिख लेते हैं 1, 6, 8, 0। अब बेटा ध्यान दो, यहाँ डेसिमल एक नंबर के बाद आ रहा है, एक लिख लेते हैं, यहाँ बेटा डेसिमल पीछे से दो नंबर के बाद आ रहा है, एक और दो कितने हो गए 3 हो गए। आंसर में बेटा पीछे से डेसिमल लगाओ 3 नंबर के बाद, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, डेसिमल यहाँ रहेगा। आंसर बना 1.680। आप बेटा इस 0 को हटा दीजिए, इस तरह से आंसर आया 1.68। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आप डेसिमल मत देखिए, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करो 107, इसका बेटा इस 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14, ये 4 हासिल गया 1, 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद है, 2 लिख लो, यहाँ पॉइंट बेटा पीछे से 2 नंबर के बाद है, 2 लिख लो, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। आंसर में बेटा 4 नंबर के बाद पीछे से पॉइंट लगा लो, लेकिन बच्चों यहाँ तो 3 ही नंबर है, क्या करोगे 1 बेटा 0 लिख लो आप। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 के बाद बेटा पॉइंट लगा दो, आंसर बन गया 0.0214। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डेसिमल हटा के सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 1005, इसमें बेटा 105 से मल्टीप्लाई, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, ये बेटा 5 हासिल गया 2, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0, 0 में 2 जोड़ोगे 2, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, अब इसे हटा देते हैं, 5 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, जोड़िए 5 2 5, 5
501 लिख लेते हैं। 105525। इधर बेटा दो नंबर के बाद डेसिमल है तो बेटा 2 लिख लो। इधर डेसिमल पीछे से बच्चों दो नंबर के बाद 2 लिख लो। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। आंसर में बेटा 4 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। 1 2 3 4 डेसिमल कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। आंसर बन गया बेटा 10.5525। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डेसिमल हटा लो, सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई 10101 बेटा उसका 1 में करेंगे मल्टीप्लाई। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, ये आया बेटा मल्टीप्लाई। देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ डेसिमल पीछे से दो नंबर के बाद है, 2 लिख लो। यहाँ बेटा पीछे से दो नंबर के बाद डेसिमल है, 2 लिख लो। 2 और 2 कितने हो गए? 4। आंसर में बेटा पीछे से 4 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। 1 2 3 4 पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। आंसर बना बेटा 1.0101। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा डेसिमल हटा के सिंपल तरीके से नंबर का मल्टीप्लाई करें। 10001 इसका बेटा 11 में करेंगे मल्टीप्लाई। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, जोड़िए 1 1 0 0 1 1 लिख लेते हैं। 1 1 0 0 1 1 अब बेटा यहाँ डेसिमल पीछे से दो नंबर के बाद, 2 लिख लिया। यहाँ बेटा डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद, 1 लिख लिया। 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। आंसर में बेटा पीछे से 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा। 1 2 3 कहाँ लगेगा बेटा? यहाँ। आंसर बन गया 110.011। इस तरह से बेटा आज आपने डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखा।